डीएनपी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत केस में धीरे धीरे वे सभी लोग सामने आ रहे हैं जो अब तक पर्दे के पीछे छिपे थे। जी हां, सुशांत की मौत के बाद अब एक और चेहरा मीडिया के सामने आया है, वो चेहरा है सूरज पंचोली। सुशांत केस को लेकर अभी तक कई थ्योरी सामने आ चुकी है। अब सुशांत केस को उनकी एक्स मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत से जोड़ा जा रहा है। इसे डबल मर्डर बताया जा रहा है। दोनों के केस में सूरज पंचोली का भी नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि सूरज और सुशांत की आपस में नहीं बनती थी। 13 जून को सूरज ने पार्टी रखी थी जहां सुशांत भी मौजूद थे। अगले दिन फिर सुशांत की मौत हो गई। आइए आपको बताते हैं सुशांत संग कैसे थे सूरज पंचोली के रिश्ते। सूरज पंचोली ने बताया कि वे सुशांत से मुश्किल से एक से दो बार मिले होंगे। दोनों के बीच बेहद कम बातचीत हुई थी। सुशांत के साथ उनका रिलेशन बहुत नॉर्मल था। सूरज ने कहा, हमने जब भी मिले हमने हाय हेलो की थी। मेरी सुशांत के साथ किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं और सुशांत एक दूसरे को भाई बुलाते थे, वो मुझे छोटा भाई बुलाते थे। हमने कभी साथ काम नहीं किया, वो मेरी इज्जत करते थे और मैं उनकी एक सीनियर होने के नाते। सुशांत संग इक्वेशन पर सूरज पंचोली ने कहा, सुशांत से शायद मैं पहली बार रामनगर में एक्टिंग क्लास के वक्त मिला था। वहाँ हमारी जान पहचान हुई, बाद में सुशांत स्टार बन गया। यही इंडस्ट्री के लोग मिलते रहते हैं, वैसे ही मैं उनसे मिला। फिर हम एक दोस्त के घर पर मिले, तब हमारी दोस्ती हुई। सुशांत ने मेरा नंबर भी लिया था। सुशांत ने राब्ता की स्क्रीनिंग में मुझे बुलाया था। मेरी सुशांत से बेहद कम बात हुई। सूरज से पूछा गया कि क्या उन्हें भी लगता है कि सुशांत ने नेपोटिज्म की वजह से जान दे दी। इसके जवाब में सूरज पंचोली ने कहा, मुझे नहीं पता कि सुशांत के साथ अगर किसी तरह की बुलिंग या गैंगिज्म हो रही थी। मीडिया में ब्लाइंड आइटम बैन होने चाहिए क्योंकि कमेंट्स में नाम का खुलासा कर दिया जाता है। सूरज पंचोली ने दिशा सालियान संग किसी तरह का कनेक्शन होने से भी इनकार किया है। वे दिशा और सुशांत को लेकर खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं।